कभी हिंदू मुसलमान का नारा देते हैं, कभी बैकवर्ड फॉरवर्ड का देते हैं, कभी गाय गंगा के बारे में बात करते हैं, विकास के बारे में बात कब करेंगे। आज जब हमारा किसान भाई जब आज धरने पे बैठा हुआ है तो उसे खालिस्तान करें, ये दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है। जो पूरे देश में जो किसान जिस तरह से आज आंदोलन अपने हक के लिए कर रहे हैं, ये बड़ा ही दुर्भाग्य का विषय है मित्रों। जो देश में 80% जो किसान रहते हैं और उन किसानों के साथ जिस तरह से काला कानून ला के केंद्र सरकार ने जो किसान विरोधी नीति को अपनाने का काम किया है, जिसको लेकर हमारे नेता संघर्ष पर है। काला कानून वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। काला कानून वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। केंद्र सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ। अध्यक्ष पप्पू यादव जी के आह्वान पर हम पूरे बिहार को बंद करने का काम करेंगे। भाजपा नेता का कहना है कि केंद्र सरकार की जो बिल लाई है वो किसानों के हित में ही है। सर, अगर ये हित में रहती तो ये केंद्र की सरकार या केंद्र के जो मंत्री हैं मंडल, पहले हमारे किसान भाइयों से सलाह लेते हैं, समझते कि इस बिल को समझाते कि ये बिल में है क्या। अगर उनके फायदे के रहता तो आज 20 दिन के इस कड़ाके के ठंड में माँ और बहन, अपने गार्जियन, अपने हमारे भाई, हमारे वहाँ साथी किसान भाई सब लोग लगातार वहाँ ठंड के कड़कड़ाहट में भी लोग बैठे हुए हैं, इसका जिम्मेवार कौन है? भाजपा सांसद। कभी हिंदू मुसलमान का नारा देते हैं, कभी बैकवर्ड फॉरवर्ड का देते हैं, कभी गाय गंगा के बारे में बात करते हैं, विकास के बारे में बात कब करेंगे। कभी वो हमारे जो हमारे भाई प्रदर्शन करते हैं, कभी उसे हिंदू मुसलमान का रंग दे देते हैं, तो कभी आज जब हमारा किसान भाई जब आज धरने पे बैठा हुआ है तो उसे खालिस्तान करें, ये दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है। ये देश की राजनीति कहाँ जा रही है, आप खुद समझिए। ओम यादव, युवा शक्ति, जिला। आंदोलन जो चल रहा है, जिसको लेकर जो काला कानून जो देश में केंद्र सरकार ने किसानों पर थोपने का काम किया है, जिसको लेकर आज जनाधिकार पार्टी पूरे बिहार में धरना के माध्यम से इस आंदोलन को तेज करने का काम कर रही है, और केंद्र सरकार की जो किसान विरोधी नीति है इसको लेकर आज जिले के तमाम मुख्यालयों पर आज धरना आदरणीय पप्पू यादव के नेतृत्व में चल रहा है, और तमाम जनाधिकार पार्टी ये मांग करती है कि जो पूरे देश में जो किसान जिस तरह से आज आंदोलन अपने हक के लिए कर रहे हैं, ये बड़ा ही दुर्भाग्य का विषय है मित्रों। जो देश में 80% जो किसान रहते हैं और उन किसानों के साथ जिस तरह से काला कानून ला के केंद्र सरकार ने जो किसान विरोधी नीति को अपनाने का काम किया है, जिसको लेकर हमारे नेता संघर्ष पर हैं, और लगातार उन्होंने कहा है कि जब तक किसान के ये काला कानून को वापस नहीं दिया जाता है तब तक जनाधिकार पार्टी पूरे बिहार प्रदेश में आंदोलन करने का काम करेगी, और केंद्र सरकार से मांग करेगी कि अविलंब किसान विरोधी बिल को अविलंब वापस लो, नहीं तो जनाधिकार पार्टी पूरे बिहार में और चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करने का काम करेगी। काला कानून वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। काला कानून वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। केंद्र सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।